पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बुधवार को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन रहा। यूपी में कांग्रेस कमजोर है, पर सड़कों पर राहुल के लिए समर्थन खूब नजर आया। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी खुद तो नहीं पहुंचे, पर उनके कार्यकर्ता और विधायक जगह जगह राहुल का स्वागत करते हुए नजर आए। राहुल ने भाषण में ठंड में सिर्फ टी शर्ट पहन के चलने पर भी चुटकी ली। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने देखिए। राहुल गांधी की यात्रा जब यूपी में किसानों की धरती बागपत पहुंची, तो उनके स्वागत के लिए जयंत चौधरी खुद तो नहीं मौजूद थे, पर उनके कार्यकर्ता और विधायक राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत करते नजर आए। कार्यकर्ता आए हैं, आप लोग क्या अपने आप आए हैं या जयंत चौधरी जी ने आदेश दिया था? जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार ही हम लोग यहाँ आए, और यहाँ बागपत की जनपद पर इस भारत जोड़ो यात्रा का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जरूरी नहीं है उनका आना, लेकिन उनकी आवाज आई है, उनका संदेश आया है। उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी की संज्ञा देने का काम किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। राहुल गांधी ने बड़ौत में दिन की यात्रा खत्म होने पर जनसभा को संबोधित करते हुए जवाब दिया उस सवाल का जो इस ठंड में सबके दिमाग में है कि राहुल गांधी इतनी ठंड में सिर्फ टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं। टी शर्ट में कैसे चल रहे हो? ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे, मैं क्या बोलूं? मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं। मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता, भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना टी शर्ट बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है? ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है ये स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों घूम रहा है, ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है, कैमरा किसने ढाया है नीचे कर, मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। यूपी में कांग्रेस के पास लोकसभा में सिर्फ 1 और विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस के हालात 2024 में बदलेंगे, जरा बागपत के लोगों से सुनिए। जिसने भी यात्रा करी पहले भी वो सब कामयाब हुए, राहुल गांधी यात्रा कर रहे ये भी कामयाब होंगे। तो राहुल जी देश जोड़ेंगे और हम लोग बूथ जोड़ेंगे, समाज जोड़ेंगे, बूथ जोड़ेंगे। तो राहुल कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, और भारत को जोड़ रहा है और विपक्ष को भी जोड़ रहा है। सौ बात की एक बात ये है कि अगर यूपी में कांग्रेस को लोकसभा में बेहतर करना है तो किसी भी तरह अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को साथ लेना होगा। बागपत से संजय कौशिक और सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से ये कहा कि इस साल अप्रैल और मई में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर सड़क नाले की समस्याओं की जगह लव जिहाद को तरजीह दी जाएगी। साथ ही कर्नाटक में भी एक भव्य राम मंदिर की योजना बनाई जा रही है जहां राम गए थे। बीजेपी इस बार येदियुरप्पा के बिना चुनावी मैदान में उतर रही है। बीजेपी सांसद और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटिल रूबरू थे उन कार्यकर्ताओं से जो वोटर्स को मतदान केंद्रों तक ले जाते हैं। निर्देश साफ थे कि लव जिहाद का खतरा लोगों को बताया जाए, खस्ताहाल सड़क की बात न की जाए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों के बारे में बात ना करें। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और यदि आप लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो हमें इसके लिए बीजेपी की जरूरत है। लव जिहाद से छुटकारा पाने के लिए हमें बीजेपी चाहिए। कर्नाटक में इस बार बीजेपी की चुनौतियां ज्यादा हैं। बेल्लारी के जनार्दन रेड्डी ने विद्रोह का परचम लहरा दिया है। लिंगायतों में भी कई गुट हैं। श्री राम सेने ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और तटीय कर्नाटक के संतों का एक समूह भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। ये सब बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेंगे। ऐसे में
कांग्रेस ने विकास का दामन थाम लिया। नलिन कटिल ने बेहद घटिया बयान दिया है। वो लोग सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। बेंगलुरु के पास रामनगर में पहले से मौजूद राम मंदिर को भव्य बनाने की तैयारी कर्नाटक सरकार कर रही है। मान्यता है कि लंका जाने के दौरान श्री राम यहाँ रुके थे। कर्नाटक में बीजेपी ने 2008 और 2019 में अपनी सरकार बनाई, लेकिन दोनों ही बार जोड़ तोड़ कर, अपने बूते पर नहीं। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कर्नाटक को लेकर चिंता समझी जा सकती है। कर्नाटक में बीजेपी की नैया बीएस येदियुरप्पा की वजह से पार लगती रही है, लेकिन इस बार उनकी ढलती उम्र की वजह से उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया है। ऐसे में लिंगायतों में नाराजगी है और इसी वजह से कांग्रेस को इस बार अपनी संभावना कर्नाटक में दिख रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों और खेतों में दरारें आने से लोग दहशत में हैं। कई जगह पर हाई टेंशन लाइन के खंभे तक तिरछे हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। प्रशासन अलर्ट है और बहुत से लोगों को उनके घरों से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा।